तो दोस्तों आईपीएल 2021 की नीलामी को अब सिर्फ एक से डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है और बीसीसीआई ने टेंटेटिव डेट दे दिया आईपीएल 2021 की नीलामी की, जो कि 11 फरवरी 2020 है। और आज की इस वीडियो में मैं मुंबई इंडियंस के ऐसे तीन टारगेटेड प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूँ जो कि मुंबई इंडियंस डेफिनेटली उन पर बोली लगाने वाली है आईपीएल 2021 की नीलामी में। तो कौन से तीन प्लेयर्स है वो पूरे नाम और कारण बताने वाला हूँ, उनके रिकॉर्ड्स भी बताऊँगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक पूरा देखना। और अगर आप भी मुंबई इंडियन या आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, फटाफट से इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खिलाड़ी जिनका नाम निकल कर आप वो है काइल जेमिसन। अब काइल जेमिसन मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के बहुत ही तगड़े तेज़ गेंदबाज है और अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच की सीरीज़ है उसमें बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है काइल जेमिसन का। 11 विकेट लिए थे 2 मैचेस में और शेन बॉन्ड ने इन पर पहले ही बयान दे दिया है कि हम काइल जेमिसन को टारगेट करेंगे आईपीएल 2021 की नीलामी में। तो या तो हो सकता है कि कोई से गेंदबाज को रिलीज़ कर रही हो मुंबई इंडियंस की टीम, या पर्दे के पीछे की कहानी है या मेरे को कुछ नहीं पता है अभी, पर अभी ये नाम निकल कर आ रहा है काइल जेमिसन का। अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरे प्लेयर जो कि मुंबई इंडियंस के टारगेट में हो सकते हैं वो है कार्लोस ब्रैथवेट। अब हाल ही में कार्लोस ब्रैथवेट बिग बैश लीग में गेंद के साथ भी और बल्ले के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी फॉर्म वापस आ गई है। अब आप सोचोगे कि आईपीएल 2020 के नीलामी में अनसोल्ड रहे थे कार्लोस ब्रैथवेट तो इस बार नहीं बिकेंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है कार्लोस ब्रैथवेट। तो मुंबई इंडियंस एक दो खिलाड़ियों को रिलीज़ कर या तो नेथन गुल्टर लाइल या क्रिस लिन को रिलीज़ कर 1 या 2 करोड़ बहुत अच्छा रकम होगा कार्लोस ब्रैथवेट के लिए। तो ब्रैथवेट भी हो सकते हैं इस बार टारगेट में मुंबई इंडियंस की टीम के, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अभी बिग बैश लीग में भी। तो कार्लोस ब्रैथवेट भी टारगेट में हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। अब तीसरे प्लेयर की बात करें तो वो है तनवीर संगम, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर, बहुत ही तगड़े स्पिनर माने जा रहे हैं, बिग बैश लीग भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी और जालंधर के ही है, मतलब इंडिया के ही है, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो तनवीर संघा बिग बैश लीग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्पिन बहुत अच्छी हो रही है उनकी और बहुत सी टीमें इन्हें टारगेट कर सकती है। हालांकि मुंबई इंडियंस के पास इतने अच्छे स्पिनर्स भी नहीं है, राहुल चहर के अलावा जयंत यादव है और कृणाल पांड्या भी पार्ट टाइमर है, तो मुंबई इंडियंस इन्हें देख सकती है, इन्हें भी टारगेट कर सकती है आईपीएल 2021 की नीलामी में। सो गाइस ये तीन खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं, काइल जेमिसन, तनवीर संघा और कार्लोस ब्रैथवेट। अभी भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कैमरन ग्रीन की बात कर लो हम, डेविड मलान की बात कर लो बैटिंग में, तो अभी भी और आने वाली ऐसी वीडियो टारगेटेड प्लेयर्स के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।